हमको डर लगता है ना अल्लाह से। मेरे को एक बात आज तक समझ में नहीं आई, क्या नाम अशरफ भाई बैठा है ना यहाँ, हाँ अशरफुल बैठा है माशाल्लाह, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर हम लोगों को अल्लाह का डर लगता है, हाँ बोलो डर लगता, रात को 2 बजे 3 बजे हमारा मोबाइल क्यों ऑन होता है? नहीं नहीं साथ में बोलो ना, अगर हमको अल्लाह का डर लगता है। अरे भाई कोई सुबह में 9 बजे 10 बजे मोबाइल पर होगा, मैं कहूंगा भाई रहने दे, ऑनलाइन बिजनेस करता होगा। अरे कोई जोर के बाद मोबाइल पर है, चलो बिजी है, कोई ईशा के बाद मोबाइल पर है, पूरे दिन का हिसाब करता। लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसका बाप धंधा करता है? क्यों हमारे जवानों का मोबाइल ऑन होता है? भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे इनका मोबाइल ऑन है, और रात को 3 बजे भी यूं ऐसा करेगा, हाँ बहुत रात हो गई, वो मोबाइल को चार्जर में रखेगा और सो जाएगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारा जवान जो रात को 3 बजे सोएगा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? यहाँ बहुत सारे बैठे बयान में आए, कारी अहमद अली का बयान होगा, फला की नात होगी, फला की तकरीर होगी, सारे उलमा आएंगे, सारे उलमा का दीदार होगा। अरे ठीक है, बड़े खुशनसीब में जो बयान में आए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बयान में आना जरूरी है या फजर की नमाज पढ़ना जरूरी है? यहाँ कितने बैठे जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी? फजर की नमाज नहीं पढ़ी हमारे ये जवान, रात को 1-1 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे मोबाइल, हमारे मोबाइल पर पबजी, हमारे मोबाइल पर टिकटॉक, हमारे मोबाइल पर जीना करना, हमारे मोबाइल पर चोरी, हमारे मोबाइल में जुआ खेलना, हमारे मोबाइल में गैम्बलिंग करना, हमारे मोबाइल के अंदर लोगों पे तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, हमारे मोबाइल की वजह से हमारे घरों में तलाक का होना, इसी मोबाइल की वजह से आज जवान बेटा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है, इसी मोबाइल की वजह से आज का जवान बेटा अपने बाप को घर से धक्के मार के निकालता है। ये मोबाइल जिसमें नंगी नंगी लड़कियों को नचाना, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फिर अल्लाह का कैसा डर लगता है? काहे को झूठ बोले अल्लाह का डर लगता है? अगर अल्लाह का डर लगता है तो हमारा व्हाट्सएप गलत क्यों है? हमारा फेसबुक गलत क्यों है? हमारा स्टेटस गलत क्यों है? हमारा मोबाइल की एक स्क्रीन के ऊपर जाओ, गंदी से गंदी क्लिप मिलती है हमारे मोबाइल पे, जुआ तो हमारे मोबाइल पे, मेरे दोस्तों चोरी करना तो मोबाइल पे, किसी को ब्लैकमेल करना तो मोबाइल पे, किसी लड़की को छेड़ना तो मोबाइल पे, मेरे दोस्तों गलत से गलत काम करना तो मोबाइल पर। और फिर सब लोग हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह से डर लगता है, ये धोखा है, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं हम लोग, आप और मैं मिलकर अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। और एक बार समझ लो, एक बार उसकी पकड़ आएगी तो बचाने वाला नहीं, बोलो कलकत्ता वालों बोलो बचाने वाला। अरे अल्लाह ने अभी थोड़े दिन पहले आसमान से पानी उतारा, आसमान से आंधी आई, आसमान से तूफान आया, महाराष्ट्र के इलाके बर्बाद हो गए, गुजरात के इलाके बर्बाद हो गए, अरे मेरे प्यारों ये बिहार के गांव तबाह हो गए, अरे ये केरला पूरा का पूरा आधा हिस्सा बर्बाद हो गया। अरे मेरे दोस्तों वो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मेरा आजाद आ गया, मेरी फिटकार आ गई, मेरी लानत आ गई। कलकत्ता वालों एक तरफ अल्लाह का अजाब आ रहा है, दूसरी तरफ हम मोबाइल में गेम खेल, मोबाइल में गेम खेलता है, उसको मालूम है अल्लाह का अजाब आया, क्योंकि उसके मोबाइल पे आया इतना पानी आया, कितने पानी के ऊपर लाशें बह गई, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग बगैर कपड़े के हो गए, कितने लोग बगैर खाने के हो गए, सब कुछ हमारे मोबाइल पर है। और फिर हम कमीने हैं जो मोबाइल पर गेम खेलते हैं। सच बताओ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने आपको किनका वाक्या सुनाया खाजा, इन्होंने एक मर्तबा फरमाया था, ये अजमेर वाले बाबा ने अपने जमाने में एक स्टेटमेंट दिया था, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का आजाब आए, साथ में बोलो अजमेर वाले बाबा क्या बोलते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का, ये तो हमारे हिंदुस्तान में ही आया, कहीं दूर नहीं गए, वो अजमेर वाले बाबा कहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का आजाब आए, तू डर जा, तू नमाजी हो जा, तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू तौबा करने वाला बन जा, इसलिए कि जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह कलकत्ता में भी भेज सकता है, अल्लाह को कोई रोकने वाला। इसलिए मेरे प्यारो एक मर्तबा बोलो ना, कौन कौन पहली बात पक्की करता है अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह, कौन 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 तैयार है बोलो ना, डरेंगे इंशाअल्लाह।
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, یعنی ساتھ میں بولو نا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہت پیارا ہے, ارے بولو اللہ بہت پیارا ہے. کاش کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے روئے نا, اللہ کے سامنے توبہ کرے نا, اللہ کے سامنے مانگے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جا میرا بندہ, مانگ لے مانگ لے, اپنے گناہ سے توبہ کر لے. لیکن ہمارے یہ موبائل ہم کو توبہ کرنے نہیں دیتا. صحیح بتاؤں ہمارا موبائل غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں 20% اچھا ہے, باقی 80% ہمارے موبائل میں زینا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, برا نہ ماننا اشرف, یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہوں گے نا, ان کے موبائل میں ننگی لڑکی کا فوٹو آتا ہے, وہ ناچتی ہے, پیچھے ڈیک بچتا ہے اور وہ آرام سے دیکھتا ہے. 12 منٹ کی کلپ ہے, 15 منٹ کی کلپ ہے, آرام سے دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اپنے دوست کو فون کرتا, ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھیجوں. وہ کمبخت دوست کارٹون پہلے سے تیار ہی ہے, کہتا ہاں بھیج بھیج. اس نے ایک بٹن دبایا, وہ لڑکی جو آدھا کپڑا پہنی ہے, جو ناچ رہی ہے, جس کے پیچھے گانا بج رہا ہے, وہ لڑکی دوست کے موبائل پر جاتی ہے, 15 منٹ تک وہ یہ گناہ کرتا ہے. اس کے بعد میں فون کر کے کہتا ہے بھائی بہت اچھی کلپ بھیجا, اسے دوسری آوے تو بھیج دینا. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں بھائی, ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں, لیکن پہلے ایک حدیث سناؤں گا. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا, سب سنیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ساتھ میں بولو اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ایک صحابی آئے, بالکل جوان اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہٹے کٹے وہ صحابی آئے, سارا مجمع صحابہ کرام کا بیٹھا ہے اور وہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا, میں کلمہ بھی پڑھتا, لیکن مجھے اجازت دو کہ میں زینا کروں. مجھے